स्टूडेंट दिस इज़ क्लिप नंबर वन ऑफ वीक five कंप्यूटर आर्किटेक्चर सर जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम चैप्टर five में थे और हमने चैप्टर नंबर five में हमने बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को देखा था और बेसिक computer ऑर्गेनाइजेशन में हमने लास्ट लेक्चर को अगर हम रिव्यू करें क्विकली तो उसमें देखा था हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ़ टाइप्स ऑफ instructions हैं जिसमें हमारे पास memory रेफरेंस रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन और हमने ये देखा था कि हमारे पास कैसे हमारा जो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है uh, वो डिटरमिन करती है इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को और uh, इन तीनों इंस्ट्रक्शंस के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देते हैं फिर हमने आगे जाके ये देखा था कि हमारे पास uh, हमारा प्रोसेसर कैसे डिसीजन लेता है हमारे पास कंट्रोल एंड टाइमिंग कैसे काम करती है हमारा कंट्रोल यूनिट बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का कैसे डिटरमिन करता है ये सारी चीज़ें देखी थी और फिर हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल देखी थी और हमने टाइमिंग का कॉन्सेप्ट देखा था कि हर एक स्पेसिफिक टाइम में आपका जो प्रोसेसर होता है उसका एक प्री डिफाइंड टास्क होता है और वो करता है जैसे टी नॉट पे उसने पीसी से एड्रेस लेके आर में देना है और फिर हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास उसी एड्रेस की बेस पे हम मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन होती है आई आर में लोड करते हैं और इसी तरह हमारे पास टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन डिटर्नमेंट होती है और फिर हमारे पास पूरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल भी होती है कॉमन बस को भी हमने देखा तो लास्ट लेक्चर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव था और हमने काफ़ी चीज़ें देखी आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम आ, देखेंगे सबसे पहले हम उसी को कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे मेनली और फिर हम यहाँ पर, uh, uh, पर ये भी देखेंगे कि हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होती हैं ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपको एक अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो कि ये हर इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है फिर हम फाइनली यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है और हमारा जो प्रोसेसर है वो इंटरप्ट को कैसे हैंडल करता है और इंटरप्ट साइकिल क्या होती है और फाइनली हम इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करके देखेंगे और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर फाइव इस लेक्चर में होपफुली ख़त्म भी हो जाएगा अच्छा हम स्टार्ट करते हैं आ, हमने मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को काफ़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखा था और अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एंड एड एल डी एस टी एन बी एस ए आई एस जी इसको हमने काफ़ी डिटेल में देखा था जो हमारा लास्ट लेक्चर में हमने एक टेबल आपके साथ शेयर किया था उसमें यहाँ पर आपके पास इसके कोर्स थे ठीक है यानी बाइनरी कोर्स थे ऑफ कोर्स थे लेकिन हमें लास्ट लेक्चर में समझ आ गई है कि हमारे पास जो कंट्रोल एंड टाइमिंग का हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि हमारे ऑफ कोड्स जो होते हैं वो बेसिकली एक डिकोडर को जाते हैं अगर आपको डायग्राम याद हो तो थ्री बाई एट का डिकोडर था और uh, एक स्पेसिफिक इनपुट जैसे हमारे पास एंड का ऑपकोड था ट्रिपल जीरो तो ट्रिपल ज़ीरो पर हमारे पास डी नॉट ऑन होता था हमारे पास एड का था ज़ीरो जीरो वन तो उस पर हमारे पास डी वन होता था इसराइल डी का था ज़ीरो वन जीरो तो उस पर डी टू बेसिकली दीज आर द आउटपुट्स ऑफ द डिकोडर और आपको याद है डी सेवन यहाँ पर मैंशन इसलिए नहीं है बिकॉज वो हमारे लिए रिजर्व हम हमने रिज़र्व किया हुआ है किसके लिए हमने रिज़र्व किया हुआ है इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट के लिए और रजिस्टर रेफरेंस के लिए तो हम आगे जाके देखेंगे उसको दोबारा ओके okay, तो यहाँ पर बेसिकली अब हमने ना एक सिम्बॉलिकली डिस्क्रिप्शन दी हुई है ताकि हमें पता चले कि हमारी इंस्ट्रक्शन ने कैसे काम करना है जैसे हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर अगर हम एंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो आ, हमें ऑपरेंट का एड्रेस मिला है ये भी आपको मैं याद दिला दूँ कि ये हमें ऑपरेंट का एड्रेस कहाँ से मिला था ये आपको ऑपरेंट का एड्रेस मिला था आपकी टी टू पर आ, मैं यहाँ पर क्विकली वो डायग्राम मेरे पास है ताकि आपको एक क्विक रिविजन हो जाए आ, जी ये यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर टी टू में अगर आप देखें तो आपके पास ये जो बारह बिट्स थी ये आपके पास आई आर रजिस्टर की ये आपके पास कहाँ जा रही थी ए आर में जा रही थी ठीक है तो ये बेसिकली क्या था ऑपरेंट का एड्रेस था तो यहाँ पर हम आ गए जी ये हम आ गए तो ये बेसिकली जो ऑपरेंट है हमारे पास मेमोरी में एक ऑपरेंट पड़ा हुआ है उससे हम क्या कर रहे हैं एंड कर रहे हैं किसकी वैल्यू के साथ एक्ूमोलेटर रजिस्टर की वैल्यू के साथ और हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक्यूमोलेटर रजिस्टर में वैल्यू पहले से पुरी भी है और इनका जो एंड है ये जाके कहाँ पर आपके पास आ रहा है एक्ूमोलेटर रजिस्टर में फाइनली सेव हो रहा है अच्छा ये एक्मोलेटर रजिस्टर में वैल्यू कहाँ से आई है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये हमने हमने एल डी ए सी आई थी ठीक है ये हमारे पास लोड अफेक्ट लोड टू ए सी था लोड टू ए सी था ठीक है तो सिमिलरली हम ज़रा दर इस दरास्पे दोबारा थोड़ी देर बाद में आते हैं सिमिलरली uh, एड के के केस में हम क्या करेंगे हमारे पास जो ऑपरेंट का एड्रेस आया है उसको हम ऐड करेंगे एक्यूमोलेटर में जो वैल्यू पड़ी हुई है एक्यूमेलेटर रजिस्टर में उसके साथ ऐड करेंगे और रिजल्ट को हम कहाँ पर सेव कर लेंगे एक्यूमोलेटर रजिस्टर में और इन केस यहाँ पर अगर कोई कैरी आउट होता है तो वो हमारे पास एक्सटेंडेड बिट में चला जाएगा क्लियर हो गया एल क्या है एल है हमारे पास कि हमारे पास एक वैल्यू मेमरी में पड़ी हुई है और हमारे पास जो ऑपरेंट का एड्रेस आया है वो हम मेमोरी में जाएंगे और उस वैल्यू को उठाएंगे उस एड्रेस से और वो वैल्यू हम कहाँ पर लोड कर देंगे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लोड कर देंगे तो अब हमें थोड़ी सी एक लॉजिक हमारी बनती जा रही है कि ऐड या एंड से पहले जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर में वैल्यू कैसे आएगी इनसे पहले हमें एल डी ए हमेशा इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमारे पास वैल्यू एक्ूमुलेटर रजिस्टर में पहले से मौजूद हो सिमिलरली एस डी ए क्या है कि हमारे पास ए uh, सी में कोई प्रोसेस्ड वैल्यू पड़ी हुई है और हम उस वैल्यू को किसी मेमोरी लोकेशन पर सेव कर रहे हैं ठीक है और ये मैं कहाँ पर हम सेव करेंगे इसका एड्रेस भी हमारे पास यही होगा और ये जो तमाम ए आर वाले एड्रेसेस हैं ये आपको मैंने जैसे अभी यहाँ पर एक रेफरेंस भी दिया है ये आपको टी टू में ये हमें पता चल जाता है कि मेमोरी में हमने कहाँ पर इसको सेव करना है ठीक हो गया जी तो हम यहाँ पर आ गए ओके uh, सिमिलरली एस टी ए क्या है uh, ये हमारा हो गया बी यू एन क्या है कि हमने बेसिकली uh, <coughs> क्या करना है कि हमने अगेन uh, मैं आपको लास्ट लेक्चर का रेफरेंस दूंगा शुरू की जो चार इंस्ट्रक्शन हैं बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है डेटा से एसोसिएटेड है डेटा की ट्रांसफर की बात हो रही है लेकिन जो ये लास्ट थ्री मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है इसकी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है बी यू एन का मतलब है ब्रांच एंड कंडिशनल ब्रांच एंड कंडिशनल का मतलब है कि आपने जंप लगाई है विद इन द प्रोग्राम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन और हमने कहाँ पर जंप लगानी है अगेन ये एड्रेस जो होगा हमारे पास ए आर में होगा और ये हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में जाएगा और हमें पता है कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है हमारे पास इट ऑलवेज पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इट हैज़ द एड्रेस ठीक है जिसमें जो एड्रेस होता है वो हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की टू पॉइंट करता है हमारा जो प्रोग्राम होता है वो मेमोरी में लोड होता है कंजेक्टिव लोकेशंस पे लोड होता है और हमारे पास जो प्रोग्राम की बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन होती है वो सिक्वेंशल होती है यानी इन लाइन होती है वन आफ्टर नन अंदर लेकिन अगर हमने किसी एक लाइन ऑफ़ कोड से दूसरी लाइन ऑफ कोड पे जंप लगाना होगा तो हमें अगर जिस लाइन ऑफ़ कोड पे हमने जंप लगाना है उसका एड्रेस अगर हमें मालूम होगा तो वो एड्रेस हम कहाँ पर मूव कर देंगे पी में तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वो कंजेक्टिव नहीं होगी यानी वो इन लाइन नहीं होगी वो वो होगी जहाँ पर हमने एड्रेस हमने जिसका दिया है ठीक है तो ब्रांच बेसिकली ये काम करती है ये चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ब्रांच एंड सेफ रिटर्न एड्रेस जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होगा आ, अगर हम प्रोसीजर कॉलिंग कर रहे हैं या, या फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं तो बेसिकली होता ये है कि जब हम जंप लगाते हैं तो जंप लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है हमें एड्रेस को रिटर्न एड्रेस को सेव करना पड़ता है ठीक हो क्या और रिटर्न एड्रेस जो है आ, वो हमें फिर बाद में जब हम अपना फंक्शन से वापस आते हैं जहाँ से हमने किया होता है तो वहाँ पर हमें सेव करना पड़ता है लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस लाइन से हमने कॉलिंग की होती है हम उस लाइन पर नहीं आते उसे नेक्स्ट लाइन पर आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि ये सिम्बॉलिकली uh, क्या बता रहे हैं तो देखें जब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्ट्रक्शन नंबर फ़ाइव एग्जीक्यूट हो रही है मैं आपको यहाँ पर से एक्सप्लेन करता हूँ जो लास्ट यहाँ पर जो लेट्स से हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर फ़ाइव एग्जीक्यूट हो रही है तो ये फ़ाइव का एड्रेस ए ER में चला गया फिर उसी एड्रेस की बेस पे हमने फ़ाइव नंबर इंस्ट्रक्शन को आई में लोड किया लेकिन अब मेरे पास पी में क्या हो गया फाइव प्लस वन यानी सिक्स चला गया ठीक हो गया सिक्स चला गया लेकिन जब हम आ, जंप लगाते हैं जंप लगाते हैं तो आ, हम तो अब सिक्स लाइन नंबर लाइन नंबर सिक्स एग्जीक्यूट नहीं करेंगे हम तो अब वो वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे जहाँ पर हमने जंप लगाना है ठीक हो गया तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे आ, ये जो पीसी की वैल्यू है किसी मेमोरी लोकेशन पे सेव करनी पड़ेगी और ये मेमोरी लोकेशन पे कहाँ कहाँ पर सेव करनी पड़ेगी ए आर इसलिए हमें सेव करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास क्या होगा कि हमारा रिटर्न एड्रेस होगा ठीक है रिटर्न एड्रेस होगा ताकि जब मैं वापस आऊँ तो फिर मुझे पता हो कि मैंने कहाँ से वापस रिज्यूम करना है और फिर उसके बाद जो पीसी की नई वैल्यू लोड होगी ये ये ए आर ये वो ए आर है जहाँ पर हमने जंप लगानी है ठीक है ये वो वाला ए आर है जहाँ पर हमने जंप लगानी है क्लियर हो गया तो हमने जंप लगानी भी है और हमने वापस भी रिटर्न एड्रेस भी सेव करना है और इंक्रीमेंट एंड स्किप ज़ीरो जो है ये हमारे पास लूप के लिए इस्तेमाल होता है जैसे लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है वो एक वेरिएबल की वैल्यू है उसमें हम प्लस वन कर रहे हैं मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ये बेसिकली आ, हमारे पास लूप में कोई टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए ठीक है जैसे आपको पता होती है तो हो हम यहाँ पर प्रेफ़र करते हैं कि हमारे पास uh, मैं क्विकली एक वो एग्ज़ाम्पल दोबारा आपको बता देता हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल दो स्टूडेंट्स हैं या तीन स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट लूप चलाने एक ने टन टाइम दूसरे ने ट्वेंटी टाइम तीसरे ने थर्टी टाइम ठीक है अगर मैं एज़ इट इज़ टेन ट्वेंटी थर्टी लूँगा तो मेरी uh, तीनों की uh, जो टर्मिनेशन कंडीशन होगी एक की टेन होगी दूसरे की ट्वेंटी होगी तीसरे की थर्टी होगी अच्छा अब डिफरेंट कंडीशनस हो गई अगर मैं चाहूँ कि इन तीनों की सेम टर्मिनेशन कंडीशन हो तो मैं क्या कर दूँगा मैं माइनस टेन ले लूँगा पहले वाले का दूसरे का माइनस uh, ट्वेंटी ले लूँगा और तीसरे का क्या ले लूँगा माइनस थर्टी अब अब जब मैं इसमें इंक्रीमेंट करूँगा जैसे नाम हमें पता है इंक्रीमेंट एंड स्किप ऑफ जीरो तब तक इंक्रीमेंट करते जाएँ जब तक हमारे पास जीरो ना है तो अगर मैं माइनस टेन कर दूँगा और उसमें मैं प्लस वन करता चाहूँगा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस माइनस टेन में प्लस वन करेंगे माइनस नाइन माइनस एट माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन एंड फाइनली ज़ीरो तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा सिमिलरली माइनस टू के केस में भी ज़ीरो टर्मिनेशन होगा सिमिलरली माइनस थर्टी के केस में भी जीरो टर्मिनेशन होगा तो बेसिकली वो जो वैल्यू है उसमें हम करते जा रहे हैं और फिर हम उसी लोकेशन पे उसी वैल्यू को अपडेट भी करते आ रहे हैं ठीक है यानी लूप की जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो हम यही वैल्यू जो यहाँ पर है बेसिकली ये माइनस हो गई होगी यानी प्लस वन हो रही है ठीक है और हम हर उस पर चेक करेंगे क्या हमारे पास वैल्यू ज़ीरो तो नहीं अगर ज़ीरो आई है तो फिर हम लूप को ब्रेक करें हम आगे चलें अच्छा यहाँ पर हमारे हम यहाँ पर क्लिप नंबर वन को एंड करते हैं और हम आ, आगे चलते हैं ताकि हम मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में देख सकें थैंक यू तो यहाँ पर हमारा वीक फ़ाइव का क्लिप नंबर वन एंड होता है